नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में कलेक्टर के आदेश के बावजूद भी लगातार चाइना के धागे बाजार में बिकते नजर आ रहे हैं, साथ ही चाइना के धागे से होने वाली घटनाएं भी सामने आ रही हैं। देवास से इंदौर मजदूरी का काम करने आ रहे युवक की चाइना धागे से नाक कट गई, जिसके बाद घायल का उपचार इंदौर के एम्बॉय अस्पताल में जारी है। दरअसल देवास निवासी होप सिंह अपनी मोटरसाइकिल से मजदूरी का काम करने इंदौर की लक्ष्मीबाई मंडी आ रहा था। इसी दौरान चाइना धागन में उलझ गए और वहां से गिरकर घायल हो गए। इसी दौरान घायलों को इंदौर के एम्बॉय अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया, जहां पर घायल की नाक कट गई और सर में टांके भी आए। लगातार इंदौर कलेक्टर ने चाइना का धागा बेचने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्ती से रासुका की कार्रवाई भी की थी। इसके बावजूद भी बाजारों में चाइना का धागा धड़ल्ले से बिकता नजर आ रहा है। इसके पहले भी ऐसे में चाइना के धागे से लोगों की जान भी जा चुकी है और अब ताज़ा मामला होप सिंह का सामने आया है। गाड़ी से आ रहा था लक्ष्मी नगर, वो बाइक से चल रहा था, तो पतंग की डोर लटकी हुई थी, उससे डोर से मेरे नाक कट गई, आँख कट गई, उंगली कट गई। अब मैं क्या करूँ, मैं तो बेरोजगार आदमी हूँ। आप काहे पे जा रहे थे? हम बाइक से जा रहे थे। कहाँ की घटना? यहाँ इंदौर काम पे आ रहे थे हम। कहाँ के क्षेत्र में? ये लक्ष्मी नगर। कौन सा क्षेत्र था? लक्ष्मीबाई नगर। लक्ष्मीबाई नगर। क्या हुआ, किस तरह से डोर आई एकदम सामने? गाड़ी चला रहा था, बाइक चला रहे थे, क्या मालूम पहले से डली हुई थी, कोई हिच रहा था डोर, इतने इतने में उंगली और नाक वगैरह सब कट। चाइना की डोर थी? हाँ, चाइना की डोर। कैसे बचे आप उससे? वो धागा पकड़ा मैंने बचाने के लिए, बाइक धीरे करी। कभी संभलते नहीं तो आपके जान भी जा सकती? हाँ, जान भी जा सकती थी, अगर धागा अगर नहीं पकड़ता तो गले में आ जाती हो। कहाँ के रहने वाले हैं? हम देवास के रहने वाले हैं। यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ सर्विस पे काम करने आए। अच्छा, आपके साथ और कोई भी था? मेरे साथ में संतोष जी है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।